राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी जो है वो पितृपक्ष चल रहा है। इस बार के पितृपक्ष 2 सितंबर को शुरू हो चुके थे, जो कि 17 सितंबर सर्व पितृ अमावस्या के दिन है खत्म होने जा रहे हैं। अश्विन मास की अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस साल सर्व पितृ अमावस्या 17 सितंबर गुरुवार के दिन को पड़ रही है। इसे अश्विन अमावस्या, बड़मावस अमावस्या और दश अमावस्या भी कहा जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या तिथि श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, चतुर्दशी तिथि को हुई हो। यदि कोई संपूर्ण तिथियों पर श्राद्ध करने में सक्षम न हो तो वह मात्र अमावस्या तिथि पर श्राद्ध के सभी के लिए श्राद्ध कर सकता है। अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध जो है वो परिवार के सभी पूर्वजों की आत्मा को स्पष्ट करने के लिए प्राप्त होता है। जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध भी अमावस्या तिथि पर किया जाता है। इसीलिए अमावस्या श्राद्ध को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष जो होते हैं वह बहुत ही खास और बहुत ही विशेष और दुर्लभ माने जाते हैं, खास तौर से तो साधनाओं के लिए। वैसे तो इन दिनों खास काम नहीं किया जाता है, लेकिन इन्हीं दिनों में भगवान से जुड़े प्रयोग या साधनाएं अवश्य ही की जाती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हमें लाभ पहुंचाती हैं। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको अधिक से अधिक उपाय, प्रयोग एवं साधनाएँ करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सभी को करने से सभी जो ग्रह दोष होते हैं, पितृ दोष होते हैं, वह ठीक होते हैं। साथ ही सर्व पितृ अमावस्या के दिन कुछ शास्त्रों में बताए गए अगर हम उपाय कर लेते हैं तो हमें हमारे पितरों का साथ मिल जाता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन, सर्व पितृ अमावस्या के दिन जो होता है वो पितरों के विदाई का दिन होता है। ऐसे में अगर हम उन्हें प्रश्न कर लेते हैं, उनको खुश कर लेते हैं, तो उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। कुलदेवी कुलदेवता हमें आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, अगर आपने वह उपाय अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो आपके जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां हैं वह खत्म होने लगेगी और आपके घर में पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा और सभी देवी देवताओं को जो भी आशीर्वाद है आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपको व्रत तो रखना ही है, और इस दिन अमावस्या के दिन जो होता है वह भगवान शनिदेव जी का भी माना जाता है। अगर ऐसे में अमावस्या तिथि के दिन अगर आप पितरों के साथ भगवान शनिदेव की भी पूजा आराधना करते हैं तो भी आपके जीवन में परेशानियों का अंत होता है। वैसे ही पितृपक्ष की अमावस्या पर जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करना चाहिए। आप चाहे तो वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। किसी मंदिर में, किसी गौशाला में भी आप इस दिन दान जो है वो कर सकते हैं। और सर्व पितृ अमावस्या के शाम सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर में और तुलसी के पास दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर और घर की छत पर भी दीपक जलाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर चंद्र दिखाई नहीं देता है, इस वजह से रात में अंधकार और नकारात्मकता बढ़ जाती है। दीपक की रोशनी से घर के आसपास सकारात्मक वातावरण बनता है, इसीलिए अमावस्या की रात दीपक जलाने की परंपरा भी मानी गई है। अगर इसी अमावस्या के दिन अगर दोस्तों आपने जो गाय से जुड़े हुए कुछ उपाय कर लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, मात्र आप इन दिनों में गाय से जुड़े हुए एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो सारी परेशानी होती है वो ख़त्म होने लग जाती है और आपके ऊपर परेशानियों का अंत होता है और माता लक्ष्मी जी का भी आपके ऊपर आशीर्वाद जो है वो बना रहता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों गाय के उपाय के बारे में। दोस्तों, पुराणों में वर्णन मिलता है कि कामधेनु एक देवी गाय थी जिसके दर्शन मात्र से सभी दुख दूर हो जाते थे। काम मतलब इच्छा और धेनु मतलब पूर्ण करना। काम धेनु मतलब इच्छा को पूर्ण करने वाली। इस गौ का दूध अमृत तुल्य होता है। देवी शक्तियों से पूर्ण गाय में सभी देवी देवताओं का वास रहता है। गौ माँ की जितनी महिमा बताई जाए उतनी ही कम होती है। आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, आपको गिनती के देवी देवताओं की मूर्ति दिखाई देगी, पर इस संसार में गाय में एक ऐसी प्राणी है जिसमें मुख्य सभी देवी देवताओं का निवास जो है वो बना रहता है। अब आप ही बताएं कि इससे अधिक पवित्र और सनातनी प्राणी और कौन हो सकता है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप शास्त्रों में बताए गए उपाय को इस अमावस्या के दिन कर लिया, सर्व पितृ अमावस्या के दिन, तो आपकी जो जीवन में पितृ दोष हैं, परेशानियां हैं, देव दोष हैं,
और सारे खत्म होने लग जाएंगे। हिंदू धर्म में गाय माता को दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय में 33 कोटि देव देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के जो है वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और परेशानियों का अंत होता है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके ऊपर 33 कोटि देव देवताओं का आशीर्वाद बना रहें, उनकी आप सेवा करें, 33 कोटि देव देवताओं को आप भोग लगाएं, तो मात्र आप एक गाय को सेवा करनी चाहिए, गाय को भोग लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देव देवताओं का निवास है। ऐसे में अगर आप गाय की सेवा करते हैं, गाय को भोग लगाते हैं, तो इससे आपके ऊपर 33 कोटि देव देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि के देवी देवताओं की सेवा होती है और इसका पुण्य जो हमें मिलता है। ऐसा भी कहा गया है जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ी ही तर जाती है। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि स्कूल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ जो होती हैं वो संसार के सभी सुख भोगती हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि यदि गाय को दोस्तों ऐसे में आपको इस अमावस्या के दिन सर्वपित्र अमावस्या के दिन जब आप घर की पहली रोटी बनती है उस रोटी को दोस्तों पहली रोटी जो है अग्नि माता को भोग लगा देनी है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो पहली रोटी होती है वो अग्नि माता को भोग लगाया जाता है। अब दूसरी रोटी जो आप बनाते हैं उसे दूसरी रोटी को दोस्तों आपको गाय के नाम से अलग कर देनी है। दूसरी रोटी जो है वो गाय के नाम से अलग करने के बाद आपके घर की रोटी पूरी हो जाए, घर का काम पूरा हो जाए। जब आप जा रहे हो कि गाय को रोटी देने के लिए तो उससे पहले दोस्तों आपको उसमें थोड़ी सी हल्दी और गुड़ मिला लीजिए। दोस्तों रोटी में हल्दी और गुड़ मिलाने के बाद आप वहाँ जाकर किसी भी बैठी हुई गाय को रोटी खिला दें तो उसमें थोड़ी सी भी हल्दी मिला देनी चाहिए आपको। क्योंकि मान्यता है कि इस तरीके से रोटी खिलाने पर बहुत ही पुण्य लाभ होता है। साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष के इन दिनों में आपको सुबह और शाम के समय जो आपके घर की अंतिम रोटी जो बन रही है उस अंतिम रोटी को आप कुत्ते को अवश्य ही खिलाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सर्वपित्र अमावस्या के दिन अगर आप कुत्ते को भी रोटी खिलाते हैं या पितृपक्ष के सभी दिनों में किसी भी कुत्ते को ये रोटी खिलाते हैं तो आपके ऊपर भगवान शनिदेव का आशीर्वाद जो है बना रहता है और परेशानियों का अंत होता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप ये उपाय इस अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो जीवन में जो परेशानियाँ हैं वो खत्म हो रही हैं। और ऐसे ही यदि आप किसी महत्वपूर्ण काम पर जा रहे हैं, महत्वपूर्ण यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वहाँ से सफल होकर ही लौटें तो जाने से पहले गाय को भोजन करा कर जाएं। और यदि यात्रा पर निकलते समय अचानक रास्ते में कोई गाय सामने पड़ जाए अथवा बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने दिख जाए तो यात्रा जो है आपकी वो सफल हो जाती है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों के बीच प्रभाव से परेशान है तो इसके लिए ज्योतिषीय उपाय मौजूद है। किसी की जन्म कुंडली में यदि शुक्र अपनी नीच राशि कन्या पर हो या शुक्र की दशा चल रही हो तो प्रातः काल भोजन में से एक रोटी सफेद देसी गाय को 43 दिन तक लगातार खिलाने से शुक्र का नीच तव या शुक्र संबंधित कुदोष जो होता है वह सभी ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन गाय का महत्व आप तक अधिक समझ सकेंगे जब आप जानेंगे कि गाय का अपमान करने पर घोर पाप मिलता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गाय को जल पीने में विघ्न उत्पन्न करता है तो वह माँ पाप का भोगी बनता है। ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। और अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और किसी तालाब या नदी के किनारे जाकर ये गोलियां आटे की गोलियां मछलियों को खिला दीजिए। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियों का अंत होगा, मनोकामना जी वो पूर्ण होने लगेगी। और दोस्तों सर्वपित्र अमावस्या पर काली चिट्ठियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपको सभी पापों से जो है मुक्ति मिलने लग जाएगी। तो ऐसे में अगर आप इन दिनों में ये उपाय कर लेते हैं सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितृदोष आपके जाते जाते प्रश्न होंगे, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा,
जीवन में परेशानी खत्म होगी, पितृदोष खत्म होंगे और आपके चारों ओर से आर्थिक परेशानी थी वह अच्छी होने लगेगी।